इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं से लेकर मुंबई की एलिफेंटा और कान्हेरी गुफाओं तक पूरा दक्कन गुफा मंदिरों से घिरा हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद में गुफाओं का एक समूह है जो एक कहानी बतलाता है। हम बात कर रहे हैं धाराशिव की गुफाओं की, जो प्राचीन शहर धाराशिव के व्यावसायिक महत्व की गवाह रही। व्यापारी और यात्री धाराशिव घाट से होकर ही निचले स्थानों से ऊपरी स्थानों की ओर आते जाते थे, इसीलिए बौद्धों ने यहाँ अपनी गुफाएं बनाई थी। ये जो धाराशिव की लेनिया है और धाराशिव का लोकेशन है, जो एंशियंट धाराशिव का बहुत ही दिलचस्प लोकेशन है। ऐसा है कि धाराशिव वो उस्मानाबाद का पुराना नाम है। उस्मानाबाद इस्लामिक रूल के पहले धाराशिव के नाम से जाना जाता था, और आज भी जो उसके बाहर ये केव्स है और एक टेंपल है, उसे धाराशिव के नाम से जाना जाता है। अब उस्मानाबाद या धाराशिव, पुराना धाराशिव जो है, बहुत ही पुरानी जगह है और उसका उल्लेख हमें बहुत ही पुरानी सातवाहनकालीन रिकॉर्ड्स में भी मिलता है, और उसके बाद मेडिवल पीरियड के, अर्ली मेडिवल पीरियड के रिकॉर्ड्स में भी काफ़ी बार उसका नाम आता है। धाराशिव का जो शहर था वो पठार के ऊपर बसा हुआ था, और प्लेन्स के ऊपर से पठार की तरफ जो ट्रेड रूट्स आते थे वो ये धाराशिव के पास के थ्रू आते थे। और टिपिकली जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इम्पोर्टेंट पासेस में होते हैं या इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स में होते हैं, ऐसे ये धाराशिव के केव्स भी एक ज़माने में एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट के ऊपर हुआ करते थे। अफसोस की बात यह है कि धाराशिव के केव्स में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी शिलालेख नहीं है, और उसके वजह से शायद वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ का जो पत्थर है वो काफ़ी फ्रेजाइल है और फ्रायबल है, टूटते रहता है, तो ज़्यादा करके जो पुराना काम किया गया था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके वजह से धाराशिव के केव्स के पास ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। माना जाता है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई धाराशिव गुफाओं का निर्माण 5वीं या 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी क्षेत्र की गुफाएं बौद्ध काल में बनाई गई थी, जो बाद में जैनियों ने अपने हिसाब से बदल लिया था। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, लेकिन देखरेख की कमी की वजह से उनमें से इक्का दुक्का ही कुछ ठीक ठाक हालत में हैं। उत्तरी क्षेत्र या बौद्ध गुट की गुफा नंबर 3 प्रमुख गुफाओं में से एक है। इसकी वास्तुकला अजंता की वाकाटक वंश की गुफाओं की तरह है। ये बुद्धिस्ट केव्स पहले हुआ करते थे, करीब जो वाकाटक का पीरियड है, वाकाटक का काल में, और वहाँ वाकाटक काल के टिपिकल जो भारवक होते हैं, जो गणज होते हैं, हमें ये केव्स में दिखते हैं। और जो डेकोरेटिव वर्क है, एक पिलास्टर बचा हुआ है धाराशिव केव नंबर 3 में, तो वहाँ वो भी पिलास्टर एकदम टिपिकली अजंता और एलोरा में जो वाकाटक का पीरियड है उसके साथ बहुत मिलता है। तो ये लेट वाकाटक का पीरियड के केव्स हैं और ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। तो जो पहले 2 केव्स है राइट साइड पे, वो बहुत ही बैटर्ड और बहुत ही क्रम्बल्ड है, और उसके ऊपर बहुत सारा कंजर्वेशन का काम किया गया है और ज़्यादा कुछ देखने के लिए उसमें नहीं है। लेकिन जब आप 3rd केव में जाते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे अवशेष अब तक बचे हुए हैं। जब आप एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पे दोनों बाजू को आपको द्वारपाल दिखते हैं, जो पितलखोरा की बहुत याद दिलाते हैं हमें। जैसे आप अंदर जाते हैं और घूमते हैं तो ऊपर लिंटेल के ऊपर आपको मुचलिंड नागा की इमेज दिखती है, बुद्ध के गोल, बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं, और उनके पीछे जो आही छत्र है, नाग का जो फन है, वो बहुत ही क्लियरली दिखता है। वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है मगर काफ़ी क्लियर है। वहाँ से आप जैसे अंदर जाते हैं तो दोनों बाजू पर 2 ब्यूटिफुल टेरेसेस बनाए गए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को। जैसे आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड के टेरेस के ऊपर पूरा एक बेंच है लंबा 2 बाजुओं पर, और उससे आपको मालूम पड़ता है कि एक ज़माने में एक सभागृह जैसे हुआ करता था, जहाँ लोग साथ में आके, बुद्ध भिक्खु लोग साथ में आके कॉन्ग्रीगेट करते थे।
राइट साइड पे ऐसी ही एक जगह है, लेकिन इस जगह के बीच में एक स्तूप है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो स्तूप है आज ऐसा दिखता है कि उसका ऊपर का जो अंडा होता है वो मिसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ के ऊपर काम करते हैं, बुद्धिस्ट आर्ट के ऊपर काम करते कहते हैं कि सिर्फ ये स्तूप का बेस बनाया गया था पत्थरों में से और उसके ऊपर जो भाग था वो ईंटों से बनाया गया था और शायद ये एक शारीरिक स्तूपा था जहाँ कोई तो भी बहुत बड़े भिक्खु के शारीरिक अवशेष वहाँ रखे गए थे। तो ये दोनों साइड हुए। अगला लेवल थोड़ा ऊंचा है तो जो पैरापेट बनता है ये दोनों वरांडाज का, उस पैरापेट में बहुत सारे छोटे छोटे गण दिखते हैं आपको, जो ड्वार्फ्स कहते हैं इंग्लिश में, जो भारवक होते हैं जिनके कंधों के ऊपर ये पूरे केव का बोझ है और ये बहुत ही टिपिकली वाकाटका स्टाइल के हैं। ये भी फिर फिलहाल काफ़ी डैमेज हो चुके हैं मगर आप अगर गौर से देखें तो आपको बहुत ही क्लियरली ये दिखेगा। जैसे आप अगले लेवल पे आते हैं तो जितने भी सब पिलर्स थे फसाड के सब टूट चुके हैं, ऊपर का फसाड भी काफ़ी डैमेज्ड है और आप जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको दिखेगा कि हिल काफ़ी टूट चुका है। मगर राइट साइड का जब आप केव की तरफ देख रहे हैं, एक्सट्रीम राइट साइड का जो पिलास्टर है, जो हाफ कंप्लीट पिलर है, वो कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड है और उसके ऊपर जो आप डेकोरेशंस देखेंगे और आप जो मालाओं की डिज़ाइन देखेंगे वो भी फिर से टिपिकली वाकाटका पीरियड में जो बनाई जाती है और जो हमें अजंता में दिखती है उससे बहुत मिलजुलती है। तो ये कारण है तो हम कहते हैं कि ये केव वाकाटका पीरियड का केव है और उस कारण से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सदरली केव है वाकाटका पीरियड का। अंदर जब आप जाएंगे तो एक बड़ा सा चौरस हॉल है, बीच में पिलर्स हैं और उसमें भी ज़्यादा करके पिलर्स अभी मॉडर्न हैं, रिप्लेस किए गए हैं क्योंकि पिलर्स टूट चुके थे। लेकिन जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो दोनों कॉर्नर के पिलर्स, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के पिलर्स अभी भी इंटैक्ट है और उसके ऊपर आज भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुली लो रिलीफ में कुरिव काम जो किया गया है वो दिखेगा। और बीच में एक गर्भगृह है, गर्भगृह में अभी एक पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जैन केव्स है, लेकिन बात ऐसी है कि ये बुद्धिस्ट लोगों का केव था और तीर्थंकरा पार्श्वनाथ का कल्ट जब एकदम फेमस हो गया, बहुत ही फेमस हो गया, तो वैसी ही एक स्टोरी, एक कहानी है बुद्ध के बारे में और उसे मुचलिंड बुद्ध की स्टोरी कहते हैं। और मुचलिंड नागा जैसे बुद्ध को आके जैसे उन्होंने शरण दी, जैसे ही धननेन्द्र ने एक ज़माने में पार्श्वनाथ को दी थी, तो वो इमेज आज भी हमें मिलता है। जो एंट्रेंस है गेटवे, एंट्रेंस गेटवे के अंदर की तरफ ऊपर के लिंटेल में आज भी वो इमेज दिखती है हमें। जब ये जगह अबैंडन हो गई बहुत सालों बाद, जैन लोग जब यहाँ आए तब उन्होंने ये नागा वाली बुद्ध की मूर्ति देखी तो उनको लगा कि ये तो सिर्फ पार्श्वनाथ जी की ही मूर्ति हो सकती है, तो ये मॉडिफाइड केव्स है। जैसा कि माना जाता है कि उत्तरी गुफाएं बौद्ध काल की हैं, जिन्हें बाद में जैन गुफाओं में तब्दील कर दिया गया, उसी तरह दक्षिणी गुफाएं ब्राह्मणवादी परंपरा की मानी जाती हैं, जो शायद 8वीं या 9वीं शताब्दी में बनाई गई होंगी। इन गुफाओं का शिल्प बहुत सादा है, जिसमें क्षेत्रीय भाव का खास ख्याल रखा गया है। कई वर्षों बाद मराठा काल के दौरान गुफाओं के बीच में मराठा मंदिर के रूप में एक समाधि बना दी गई। बुद्ध और जैन केव्स बनने के बीच में अगर आप ये केव्स जो एक हॉर्सशू शेप डिप्रेशन में है सामने की साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ ब्रह्मानिकल केव्स भी मिलेंगे। तो लेटर जो पीरियड है, पोस्ट वाकाटका पीरियड है जिसे हम राष्ट्रकूटा काल कहते हैं, तो उस काल में वहाँ हिंदू केव्स या ब्रह्मानिकल केव्स जो थे वो भी बनाए गए हैं। काफ़ी सिंपल है, थोड़ा ही कार्विंग है, लेकिन कृष्णा के लेजेंड्स बहुत ही क्लियरली दिखते हैं इन केव्स में। अगर आप बारिश में जाएंगे तो आजकल इन केव्स में पूरा पानी भरा हुआ रहता है और अंदर जाने की दिक्कत होती है, तो ये ब्रह्मानिकल केव्स के लिए बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर होता है दिसंबर जनवरी जाने के लिए। बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा मंदिर है, टिपिकल लेट मराठा स्टाइल में। तो लेट मराठा स्टाइल का जो प्लास्टर और स्टको वर्क शिखर होता है वैसे, उसके गोल बड़े बड़े मोटे दीवार जैसे फोर्ट आर्किटेक्चर में हमें मिलते हैं और एक छोटे से फोर्टिफाइड एनक्लोजर के अंदर ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है जो एक समाधि है। और अंदर मंदिर के गर्भगृह में
जो समाधि का लिंग बना लिंग के जैसा बनाया जाता है वो आज भी हमें अंदर दिखता है। तो इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ये ऐसी जगह थी जिसकी सैंक्टिटी हमेशा के लिए कायम रही। 1500 वर्षों के दौरान इन गुफाओं पर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का कब्जा रहा और इसी वजह से यहाँ कभी बौद्धों से लेकर ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी से लेकर मराठों और मराठों से लेकर आधुनिक युग तक सभी धर्मों ने इस इलाके की पवित्रता का सिलसिला लगातार कायम रखा। यहाँ की गुफाओं में सुनहरा इतिहास छिपा है और इस इतिहास को बचाए रखने के लिए इनका रख रखाव और सुरक्षा बेहद जरूरी है।